हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ये हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे। हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के लिए अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम TS ग्रेवाल्स की बुक से, और जर्नल चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने जर्नल चैप्टर का स्टार्ट करा। जर्नल चैप्टर को पहले हमने जर्नल एंट्री के कंसेप्ट को देखा, फिर हमने जर्नल एंट्री की इम्पोर्टेंस को देखी, जर्नल एंट्री कितना इम्पोर्टेंट है। फिर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को हमने रिवाइज करा एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एज वेल एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये हमने पढ़ा। फिर हम आए नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश कब ट्रीट होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट कब ट्रीट होगा, ये हमने देखा। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि गुड्स की ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, कब उसको परचेज ट्रीट करेंगे, कब उसको सेल ट्रीट सेल बोला जाएगा, कब वो परचेज रिटर्न बोला जाएगा, कब वो सेल्स रिटर्न बोला जाएगा, ये हमने देखा। फिर हम नेक्स्ट उसके आगे बढ़े, उसके आगे हमने देखा कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। डिस्काउंट हम मैंने बताया आपको, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसकी कि बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, एक कैश डिस्काउंट होता है और एक रिबेट होता है, इन दोनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। फिर हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर एडवांटेज देखा, किसका एडवांटेज देखा, हमने एडवांटेज देखा कैश डिस्काउंट का और ट्रेड डिस्काउंट का, क्या क्या एडवांटेज होता है ये हमने देखा, क्योंकि रिबेट का कोई एडवांटेज नहीं हो सकता, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको। फिर हम आए, फिर हमने बैड डेट के कंसेप्ट को देखा, बैड डेट होता क्या है, बैड डेट कब बोला जाता है, और जब बैड किस टाइप से, जो मेरा डेटर है वो बैड हो सकता है, ठीक है, वो हमने देखा बैड डेट्स। फिर हमने देखा जो बैड डेट्स, जब बाद में जाकर के जो मेरा डेटर बैड हो चुका था, जिसको मैं बैड डेट्स मान चुका था, उसने मुझे पैसे दिए, ये हमने क्या करा देखा। ठीक है, ओके। फिर हमने एक इलस्ट्रेशन करी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3, 2 आपका होमवर्क था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करा। ठीक है, अभी बाकी जो इलस्ट्रेशन है वो भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो कंसेप्ट है हम क्या करते हैं, पहले जो छोटे छोटे ये 3-4 कंसेप्ट और बचे हुए हैं इसको मैं कवर अप कर लेता हूँ, उससे उसके बाद क्या होगा, हम इलस्ट्रेशंस करना स्टार्ट करेंगे और जल्दी 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 हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी हमारा जर्नल चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी आए उसकी अपडेट्स आपको मिलती रही और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई में, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका बेस जितना मजबूत होगा आगे जा कर के आपको उतना ही क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो ये 7 तारीख की डेट में CBSE ने एक सर्कुलर निकाला था, क्या सर्कुलर निकाला था कि आपके सिलेबस को रिड्यूस करा गया था, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना करके दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में किस किस टॉपिक को डिलीट करा गया है। अब टॉपिक डिलीट का मैंने क्यों दिया सिलेबस बना करके, क्योंकि उसको उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इस चैप्टर में से मुझे बैंक, मान लीजिए एक बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर है, उसमें से मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप उसे कट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरा सिलेबस देखने के लिए जाएंगे तो सिलेबस आपके दिमाग में नहीं रहेगा, 4-5 जो टॉपिक्स हैं वो जो नहीं पढ़ने वो आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या था, उसका यही रीज़न था कि मैंने डिलीटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई, ना कि रिवाइज सिलेबस के ऊपर, क्योंकि जो देखिए जो आपका डिलीटेड टॉपिक है वो भी मैं कवर अप करूँगा, लेकिन वो मैं करूँगा जब एक बारी हमारा ये क्लास 11 का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपके लाइफ में अगर वो भी समस्याएं, मतलब समस्या या प्रॉब्लम सिचुएशंस आई, तो आप उसको भी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या करेंगे आपको पता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या, सेल्फ स्टार्ट, ओके, हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए
हम क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्री कंसेप्ट। जर्नल के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, जर्नल होता क्या है बेसिकली, जर्नल क्या होता है, जर्नल बेसिकली ये समझ लीजिए अकाउंट का बैक, अकाउंटिंग का क्या है, बैक बोन है ये। अगर ये नहीं, अगर ये आपको अच्छे से नहीं पता है तो सारी अकाउंटिंग आपकी हेवायर हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से आपको करना है, ताकि फ्यूचर में जाकर के आपको कभी भी अगर आपके जर्नल एंट्री से कंसेप्ट क्लियर रहे तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये हमारा कौन सा लेक्चर है, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 10 रहेगा, क्लास 11 के लिए 10वां लेक्चर रहेगा, और हम जर्नल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बुक फिर से बताता हूँ, TS ग्रेवाल जी की बुक रेफर कर रहा हूँ मैं फॉर एडिशन 2021। इसकी जो PDF कॉपी है वो मेरे तीन वीडियो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा था, आप वहाँ से जा करके इसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आपने बुक परचेज भी नहीं कर, मतलब नहीं करी और नहीं करनी आपको, तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिमेनिंग चैप्टर्स की भी ऐसे ही, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा उसके 1 से 2 लेक्चर के भीतर मैं उसको PDF क्या करूँगा, अंदर मैं PDF आपको शेयर, आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ओके। और साथ के साथ मैं बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। और अगर आपके कोई बड़े हैं, कोई बड़े भैया हैं जो कि 12th में जा चुके हैं, या फिर जिन्होंने 11th पर भी रखा है, वो भी रिवीजन के पर्पस से लेक्चर्स देख सकते हैं कि उनका कंसेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर होने वाला है, और लाइफ में उनको कभी भी जो एक बारी कंसेप्ट उन्होंने क्लास में पढ़ लिया वो कभी भी रिवाइज भी करने की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। मार्क्स जो आपको आने वाले हैं वो तो मतलब पूछे ही मत, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, जब आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर रहेगी तो मार्क्स में कौन रोक सकता है आपको, 90, 95, 96, 97% तो मतलब ये जस्ट लाइक कि आपने क्लासेस ली, एंड क्लासेस लेकर के कभी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, बस जो मैं होमवर्क दूंगा, ध्यान रखिएगा जो मैं होमवर्क दूंगा वो आपने कंप्लीट करना है, प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम, ओके। हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ओके जी, फॉर क्लास 11 के लिए, किसके लिए, क्लास 11 के लिए, और ये लेक्चर नंबर है कौन सा, 10वां नंबर का लेक्चर है ये। और जो बुक रेफ़र कर रहे हैं हम, बुक रेफ़र कर रहे हैं TS ग्रेवाल्स जी की बुक रेफ़र कर रहे हैं 2021 एडिशन वाली, ओके सर, दैट्स फाइन, ओके, शैल वी स्टार्ट, यस, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप भी हम बात करते हैं किसकी, अभी हम बात करते हैं गुड्स की, तो गुड्स मैंने बताया था उसको आप परचेज ट्रीट करेंगे अगर रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं। अगर आपने गुड्स खरीदा और रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आपने, तो उसको आप परचेज रिटर्न ट्रीट करेंगे। जो आप सेल करते हैं तो आप क्या ट्रीट करेंगे, सेल ट्रीट करेंगे। और किसी कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया तो आप सेल रिटर्न ट्रीट करेंगे, ओके जी। ये मैंने आपको गुड्स के रिगार्डिंग बताया था। और अगर कुछ भी आप परचेज करते हैं जिसका कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में आपको लंबे समय तक यूज़ होना है, तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, एसेट ट्रीट करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो गुड्स होता है उसका ट्रीटमेंट कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है। एक तो परचेज हो सकता है, जो आप परचेज करेंगे वो, देन आपने परचेज करा बट कुछ दिक्कत थी तो आपने क्या करा, रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न हो सकता है। नेक्स्ट सेल हो सकती है, सेल, एंड देन किसी कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेल रिटर्न। ये बेसिकली किसके लिए है, ये चारों रीसेल के पर्पस है, रीसेल के पर्पस है, सेल, सेल एंड रीसेल, सेल एंड रीसेल के पर्पस से है ये, ठीक है। नेक्स्ट असेट, जब कोई भी सामान आप परचेज करेंगे तो पांचवी ट्रीटमेंट क्या होगी, आप इसे स्पेसिफिक असेट का नाम देंगे, वो स्पेसिफिक असेट क्या होगा, इन दी
इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम यूसेज, लंबे समय तक जब आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लंबे समय, कोई कोई एसेट ऐसा भी होता है जिसको कि आप एक साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा भी होता है पाँच साल के लिए, कोई ऐसी भी एसेट होती है जो कि आप दस साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप एसेट ट्रीट करेंगे। किसमें स्पेसिफिक जो आपका एसेट रहेगा वो अकाउंट आप डेबिट करेंगे। तो अकाउंट कौन कौन सा लगाएंगे, परचेज के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल के लिए सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, असेट के लिए स्पेसिफिक असेट का अकाउंट आप यूज करेंगे। ये तो देखिए, ये तो हुआ गुड्स जो है बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सर ये क्यों बता रही है, तो आपने बता रखा है। हाँ बच्चों ये मैंने बता रखा है, आज मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड कुछ और बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। उस कंसेप्ट से क्या होगा, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और जर्नल एंट्री बनाते टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या कंसेप्ट बताने वाले हो आप? बच्चे कंसेप्ट ये बताने वाला हूँ मैं कि गुड्स जो बिजनेस में बाहर जाता है वो किस किस रीज़न की वजह से जाता है, किस किस रीज़न की वजह से जाता है आप बताइए। सर एक तो सेल करते हैं हम, ओके जी ठीक है, और सर एक परचेज रिटर्न करते हैं हम, ओके जी नेक्स्ट। सर बाकी तो बाकी क्या हो सकता है? बच्चों जब आपने क्या करा, गुड्स चैरिटी में दे दी, डोनेट कर दिया, उसकी भी तो अकाउंटिंग करोगे आप या नहीं करोगे? बट वो तो आपके लिए सेल है नहीं, बट चैरिटी क्या एक टाइप का एक्सपेंस आपके लिए, डोनेशन क्या एक टाइप का एक्सपेंस आपके लिए। बट आपने मान लीजिए आपकी गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने दो टी शर्ट, पाँच टी शर्ट, दस टी शर्ट डोनेट कर दिया। डोनेट का मतलब आपने दे दिया किसी को, दान में ऐसे ही दे दिया आपने, उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको मतलब मन हुआ आपका डोनेट करने का, आपने डोनेट कर दिया। अब आपने जो डोनेट कर दिया, डोनेट तो आपने कर दिया, सेल तो आपकी हुई नहीं, किस पे इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट किस पे आएगा? इम्पैक्ट आएगा आपके परचेजेस अकाउंट पे। किस पे इम्पैक्ट आएगा? परचेजेस अकाउंट की कॉस्ट से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए क्या करा, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए मेरे बिजनेस की ये टी शर्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस की ये टी शर्ट है, मैंने इसकी प्रमोशन के लिए क्या करा, मैंने 15 टी शर्ट या 100 टी शर्ट ऐसे फ्री सैंपल्स में बांट दिए। क्या करें, फ्री सैंपल्स में बांट दिए। सर फ्री सैंपल में तो बांट दिया, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? तो गुड्स तो आपके बिजनेस से बाहर चला गया ना, गुड्स आपके बिजनेस से बाहर चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपके बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा, बाहर जा रहा है, चला गया, तो सैंपल भी तो बिजनेस, प्रमोशन भी तो एक टाइप का क्या है, आपके लिए एक्सपेंस ही है। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस कर रहे हो ना, एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो। आपने क्या करा, सैंपल दे दिया ताकि लोग उसको देखें और मतलब आपसे प्रोडक्ट परचेज करें, आपका प्रोडक्ट परचेज करें। तो सैंपल भी क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है, बिजनेस प्रमोशन या फिर सैंपल अकाउंट कह लीजिए आप, वो भी एक टाइप का एक्सपेंस है। वो आपने क्या करा, वो आपने दे दिया, एक तो बिजनेस प्रमोशन का अकाउंट आ गया क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है। सर क्रेडिट, क्रेडिट बच्चों आप किसको करोगे, परचेज करके लाए थे आप, परचेज अकाउंट को कॉस्ट से कम हो जाए, परचेज की कॉस्ट, क्योंकि जो आपके पास परचेजेस था वो तो कम हो गया ना, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू तो आया नहीं, सेल तो हुआ नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम हो गया परचेजेस अकाउंट। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लीजिए आपका बिजनेस था गारमेंट शॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका बिजनेस था गारमेंट शॉप का, गारमेंट शॉप से मान लीजिए माल चोरी हो गया, क्या हो गया, चोरी हो गया, या फिर कभी भगवान जी नहीं करे ऐसा कि उसमें आग लग गई, कोई सा भी बिजनेस है उसमें क्या हुआ, आग लग गई। सर चोरी हो गया, अब चोरी का भी अकाउंटिंग, अरे बच्चे अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको, अदरवाइज कैसे मैच होगा। मान लीजिए आप लाए थे कितना, आप लाए थे 100 रुपये के परचेजेस करके, आपको 110 में सेल करना था, अगर आप 100 का 110 में सेल करेंगे 10 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा आपको,
बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है, परचेजेस जो है वो आपका तो कम हो चुका है ना, तो रियल इम्पैक्ट तो आपको पता नहीं चलेगा। तो रियल इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा? रियल इम्पैक्ट ऐसे पता चलेगा जितने का माल आपका चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी हो गया, उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक टाइप का लॉस है ना, वो आपको याद है ना, चाहे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से हो या फिर किससे हो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन से हो या फिर क्या कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से हो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्सपेंस अकाउंट, और एक जो जर्नल एंट्री कंसेप्ट बताया था मैंने इसमें आपको, बैड लक। याद है आपको कुछ? अगर नहीं याद है तो आप प्लीज़ जा करके प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा जो बैड लक के मैंने बारे में मैंने बताया था। ठीक है जी, ओके। तो सर इससे चला गया, अब मान लीजिए जो मेरा चोरी हो गया या फिर मतलब जल गया, सर इसके लिए अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। इंश्योरेंस जब आपने ले रखा है तो जितने का माल आपका चोरी होगा वो आपने क्या करा? डेबिट कर दिया। अब मान लीजिए इंश्योरेंस से आप क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। आपने क्या करा? 100% क्लेम करा। 10 रुपये का माल आपका चोरी हुआ था, आपने 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से क्या करा? क्लेम करा। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे आप? वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? जो लॉस था उसकी रिकवरी तो मैं कर ही रहा हूँ ना, लॉस की रिकवरी तो मैं कर रहा हूँ, तो लॉस ऑफ थेफ्ट या फिर सॉरी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट, इसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। इम्पैक्ट लॉस बाय थेफ्ट का निल। सर ये तो मैंने इंश्योरेंस को कर दिया, अब इंश्योरेंस ज़रूरी है कि 100% क्लेम मुझे वापस करेगी? पूछे 100% करेगी तो बैंक टू इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए 50% या फिर 30% या फिर 70% या फिर 90% करती है, 90% क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्स कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आपको 100% से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा 90% से आपके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट में आप कितना डालेंगे? आप बैंक अकाउंट में 9 रुपये डालेंगे, और 1 रुपये कहाँ डालेंगे आप? 1 रुपया आप फिर से आप लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट में आप डाल देंगे। ठीक है सर, ये तो हो गया। और किसी वजह से गुड्स आ सकता है बिजनेस के बाहर? अरे हाँ, आपका बिजनेस है, आपको मान लीजिए मन हुआ पर्सनली उसके लिए, मान लीजिए मेरा गारमेंट का शॉप है, मेरा मन हुआ कि मैं अपने बच्चों के लिए 10 टी शर्ट लेकर के जाऊँ, वो इसको यूज़ करें। अरे सर अब खुद ही ले लिया? हाँ खुद ही ले लिया, सेल तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपने बताया था जो पर्सनली उसके लिए लेके आते हैं उसको तो हम ड्राइंग्स कहते हैं। ओके वेरी गुड, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। सर लेकिन अब क्रेडिट किसको करना है? बच्चे ये भी क्या हुआ, आपके परचेजेस को कम करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी सर करेगा। अगर परचेजेस को कम करेगा तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेजेस अकाउंट। बेसिकली क्या है? बीइंग गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। चलिए ये अभी हमने देखा, अब मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि गुड्स जो है बाहर किस किस केस में जाता है आपको बस ये ध्यान रखना है। जो मतलब रीसेल वाला गुड्स है, जो असेट्स वगैरह है उसके लिए तो फिर दूसरी ट्रीटमेंट आ जाएगी, लेकिन जो रीसेल वाला गुड्स है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आएगी, किस किस केस में बाहर जा सकता है? ये सिर्फ 6 केस होते हैं, 7वां केस आप सोच के बताइएगा। अप टू यू, आप मुझे सोच के बताइए, कमेंट में कमेंट डालिए कि 7वां केस ये हो सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8470877787। मैं आपकी क्वेरी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप मुझे बताइए कि सर इस केस में भी गुड्स बाहर जा सकता है? अगर ऐसा कोई केस बनेगा तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर अप कर लूँ, बट मेरे हिसाब से यही सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ एक बार। अगर आपको नोट करना है तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैंने गुड्स के रिगार्डिंग पहले बता रखा था।
ओके चलिए क्लियर कर दूं मैं। ओके जी कर दीजिए, ठीक है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको चार्ट में इसलिए पढ़ाता हूँ एक जगह पे आपके जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड हैं वो क्या हो जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है। ओके जी चलिए, जो मेरे गुड्स हैं, गुड्स बिजनेस से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। गुड्स क्या होगा, बिजनेस से बाहर जाएगा। किस किस केस में बाहर जाएगा, ये मैं सारे केस लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने सेल करा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेल्स अकाउंट सेल्स करूँगा, ये मेरे लिए क्या है, इनकम। ओके देन परचेज रिटर्न कर रहा हूँ मैं, परचेज रिटर्न कर रहा हूँ मैं। बेसिकली जब मैं परचेज रिटर्न करूँगा तो क्या है, परचेज रिटर्न भी एक टाइप का मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। जब मैं परचेज रिटर्न करूँगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये भी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो एक टाइप का एक्सपेंस है। लेकिन क्या ये सेल हुआ है, मेरे लिए इनकम है, नहीं, ये तो है तो एक्सपेंस, बट इम्पैक्ट किस पे डालेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा, इम्पैक्ट किस पे, ऑन परचेजेस। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स से मेरी इनकम है, कैश या फिर जो मेरा डेटर रहेगा, कैश या क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट किसके लिए है, ये क्रेडिट अकाउंट है, जब मैं उधार पे माल दूंगा किसी को तो मेरा डेटर होगा उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू सेल्स अकाउंट। ओके सर नेक्स्ट, बच्चों नेक्स्ट, डोनेशन या फिर क्या, चैरिटी। डोनेशन करा या आपने चैरिटी करी, सेल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा, इम्पैक्ट ऑन परचेजेस। किस पे इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट ऑन परचेजेस, परचेजेस पे इम्पैक्ट आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट, डी स्टैंड फॉर डोनेशन है, टू परचेजेस अकाउंट। ओके सर, और फ्री सैंपल, फ्री क्या दिया आपने, फ्री सैंपल दिया या फिर बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन के लिए क्या करा आपने, फ्री सैंपल दिया। फ्री सैंपल कब कब देते हैं, जब आप देखते होंगे ना, आप कहीं पे भी जाते होंगे तो, या फिर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी भी जगह पे रहते हैं आप, तो सीपी वगैरह में, आप जगह आप दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो जब आप कनॉट प्लेस पे जाएंगे तो कनॉट प्लेस में आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम पे कुछ कुछ जो है, जो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो आपको फ्री सैंपल देने के लिए आते हैं, ये रख लीजिए आप। बेसिकली क्यों देते हैं ऐसा, वो इसलिए ऐसा देते हैं कि उससे उनका बिजनेस क्या हो, प्रमोट हो, क्या हो, बिजनेस प्रमोट हो। तो बिजनेस जब मेरा प्रमोट होगा तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, सेल तो ये हुआ नहीं, तो इम्पैक्ट ऑन परचेजेस, परचेज के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो एंट्री मेरी क्या बनेगी, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट या फिर सैंपल अकाउंट।
क्या कर दूंगा मैं, डेबिट टू। सर ये बार बार परचेजेस को आप कम कर रहे हो। बच्चे परचेजेस को इसलिए कम कर रहा हूँ, जो मैं माल लेके आया हूँ वो मैं बेच तो रहा नहीं हूँ, जो मैं माल लेके नहीं आया वो तो मैं ऐसे ही फ्री सैंपल चैरिटी वगैरह दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली तो ये मेरे परचेज कॉस्ट को ही कम कर रही है ना, कि फ्री सैंपल तो मैं ऐसा तो है नहीं 200 रुपये दो मैं तुम्हें फ्री सैंपल दूंगा, फिर तो वो सेल हो जाएगा, है ना। तो परचेजेस को इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा जो मेरा परचेज किया वो प्रोडक्ट था उसको मैं प्रमोट के लिए दे रहा हूँ, परचेजेस अकाउंट। ओके जी, नेक्स्ट लॉस्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट या फिर फायर, दो तरीके से लॉस हो सकता है, या फिर तीसरा कोई सा भी तरीका बिजनेस का। अगर आपको लॉस हुआ, गुड्स का लॉस हुआ, भूकंप ही आ गया, लॉस बाय अर्थक्वेक, सुनामी आ गई, लॉस बाय टी सुनामी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एबीसीडी, एनीथिंग मिस हैपनिंग विथ योर बिजनेस दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इट विल ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉस इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ क्या, किसी भी वजह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट की वजह से हो या फायर की वजह से हो, एक्सीडेंटली भी तो लॉस हो सकता है। सर एक्सीडेंटली कैसे, मेरा ट्रक आ रहा था रास्ते में पलट गया, पूरा माल भरा हुआ, मेरी गाड़ी आ रही थी मेरे गारमेंट्स के शॉप की, मेरा पूरा एक ट्रक सामान जो पलट गया, एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, किसी भी वजह से लॉस होगा, लॉस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एनी रीजन, एनी रीजन, एनी रीजन, एनी रीजन, आपको लॉस बिकॉज ऑफ एनी रीजन याद रखना है, लॉस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट ऑन परचेजेस, किस पे इम्पैक्ट आएगा, परचेजेस पे, एंट्री मेरी क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, ये मेरी जर्नल एंट्री बन गई। नेक्स्ट ड्रॉ फॉर, ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से ड्रॉ करा, ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर किसके लिए, पर्सनल यूज, कौन सा यूज, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्रॉ करा, पर्सनल यूज के सेल तो हुआ नहीं, सेल नहीं हुआ, डोनेशन है नहीं जी, फ्री सैंपल नहीं जी, ड्राइंग्स है नहीं जी। जब भी मैं कुछ भी बिजनेस के लिए क्या निकालूंगा, पर्सनल यूज के लिए निकालूंगा, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, हमेशा मैं इसका भी इम्पैक्ट किस पे आएगा, हमेशा मैं क्या करूंगा, ड्राइंग करूंगा ना, इम्पैक्ट ऑन इसका परचेजेस, इम्पैक्ट ऑन परचेजेस, एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके सर, बस इतने केस में गुड्स बाहर जा सकता है। बच्चे अगर इसके बाहर कुछ जाता है, इसके बाहर भी कोई सिचुएशन अगर आपके दिमाग में आती है, देन आई मोस्ट वेलकम यू, आप कमेंट करके बताइए कोई सा भी सिचुएशन, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा था अपना 8470877787, आप उस पर क्वेरी डाल करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर, नेक्स्ट ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर इसके बारे में डिटेल में क्यों बात करेंगे, लॉस ऑफ फायर में, बच्चे इसलिए डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बाकी किसी भी केस में आपके पास क्या पैसे आने के चांस है क्या, इसमें तो है, ये तो है ही नहीं परचेज पे, इस पे सर इसमें तो पैसे आने, कैसे पैसे आएंगे, मुझे ही तो पैसे देने थे, नहीं आ सकता ना, अरे नहीं आ सकता भाई, परचेज रिटर्न में कैसे पैसे आएगा तुम्हारे पास, अल्टीमेटली तुम्हें पैसा कम देना है, मतलब पैसे का नहीं जाना भी आना ही होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, पैसे का नहीं जाना भी आना ही होता है। अगर आपको 100 रुपये कहीं पर एक्सपेंस करना था, आपने नहीं करा, तो क्या हुआ, 100 रुपये की आपकी इनकम हो गई ना, नहीं हुई, डेफिनेटली हो गई, 110% इनकम हो गई, तो पैसे का नहीं जाना भी आना ही होता है। डोनेशन चैरिटी, डोनेट कर दिया, पैसे किसी से आएंगे क्या, लेट मी थिंक, अरे नहीं सर कहाँ से आएंगे पैसे, डोनेट कर दिया मैंने, सैंपल दे दिया,
अरे भाई आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, कभी आप गौर कीजिएगा उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल। वो आपको कहाँ मिलेगा? जब आप मैक्सिमम ये आपको मिलेगा जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो मेडिसिन्स की कंपनी जो होती है वो उनको प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देती है अपनी मेडिसिन्स की। उस पे स्पेसिफिकली लिखा होता है, क्या लिखा होता है फ्री सैंपल के पे, क्या लिखा होता है? नॉट फॉर सेल लिखा होता है, ठीक है। वो सेल करने के पर्पज से नहीं होता है, तो इसमें भी पैसे आपके आने के चांस नहीं है। सर मैंने खुद से बिजनेस में विड्रॉ कर लिया गुड्स, मैं खुद परचेज करके डाल दूंगा। अगर आप खुद परचेज करोगे तो परचेज हो जाएगा ना। अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, आपकी वो थी क्या कहते हैं गारमेंट्स की शॉप है, आपने 10 टी शर्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो ड्राइंग्स हो गया वो तो। अब भले आप 10 टी शर्ट वापस से परचेज करोगे, बट पर्सनल अकाउंट से तो नहीं डालोगे ना आप तो बिजनेस अकाउंट से परचेज करोगे बिजनेस में डालने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट भी परचेज पे आएगा, इसमें भी पैसे वापस तो आने के चांसेस नहीं है, पर्सनल यूज हो गया वो। सर नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर। लॉस बाय थेफ्ट या फायर से जो लॉस, यार एनी काइंड ऑफ लॉस, एनी 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 काइंड ऑफ लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस ड्यू टू विच आपके परचेजेस पे इम्पैक्ट आया है, तो उसमें क्या हो सकता है? देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टेकन द इंश्योरेंस क्लेम। इफ यू हैव टेकन द इंश्योरेंस क्लेम देन व्हाट विल यू डू? यू विल लॉज इंश्योरेंस क्लेम विद द कंपनी दैट दैट मच अमाउंट ऑफ गुड्स हैज बीन लॉस्टेड। ओके जी, ओके। इफ इंश्योरेंस कंपनी अग्रीज दैट एंड पे यू इन फुल, सिचुएशन हो सकती है ना, अगर वो पूरे पैसे दे दे तो देन डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड विद 100% अमाउंट एंड योर लॉस हैज बीन रिकवर्ड, देन इट विल बी क्रेडिटेड विद फुल अमाउंट। एंड इन अनदर केस इफ इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रेडी टू आर नॉट विलिंग टू पे यू आर नॉट पेड यू 100% अमाउंट, इन दैट केस वॉट विल हैपन? इन दैट केस यू विल डेबिटेड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर दैट मच, सॉरी यू विल क्रेडिट द इंश्योरेंस कंपनी विथ 100% अमाउंट एंड डेबिट योर बैंक अकाउंट, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे यू इन कैश। सो यू वॉट विल यू डेबिट? यू विल डेबिट द बैंक अकाउंट विद दैट मच प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट फॉर विच अमाउंट रिसीव टू यू, एंड अगेन यू विल डेबिट द लॉस बाय थेफ्ट और फायर और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी अकाउंट हो फॉर दैट मच रिमेनिंग अमाउंट। ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस कंसेप्ट इन डिटेल इन जो नेक्स्ट हम लिखेंगे वहां पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके जी, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ओके जी, लिख लिया हमने, वेरी गुड। मजा आ रहा है अकाउंट्स पढ़ने में? अरे बहुत आएगा, देखते जाइए आप। इट इज गोइंग टू दैट मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू दैट यू विल गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर एवर, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग इकॉनमी इज इकोनॉमिक सिंस इन्वॉल्व एंड फाइनेंस इज इन्वॉल्व। इफ यू डू एनीथिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस एनीथिंग 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 देन अकाउंट्स विल बी मस्ट बी इन्वॉल्व, बिकॉज वेर देर इज अ मनी देर इज अकाउंट, वेन देर इज अकाउंट देर इज अ नीड ऑफ यू। या याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्या, उसी को जो बाहर गुड्स जाएगा, ठीक है, लॉस बाय किससे, थेफ्ट या फिर फायर, ठीक है। देन सबसे पहले क्या एंट्री आएगी आपकी, गुड्स आपका लॉस हो गया, देन लॉस बाय लॉस बाय गुड्स लॉस्ट, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर का अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट किसका अकाउंट होगा बताइए जल्दी से, क्रेडिट अकाउंट इंपैक्ट ऑन परचेजेस, सो परचेज अकाउंट
परचेज अकाउंट, ठीक है, बीइंग लूप गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर आप नरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट लॉस्ट इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम मैंने लॉस करा है, ठीक है, ओके, लॉस इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम मैंने लॉस करा सर, इंश्योरेंस क्लेम मैंने लॉस करा मतलब मैंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करी ना, मतलब यही हुआ इंश्योरेंस क्लेम मैंने कंपनी से फाइल करी। इन दैट केस व्हाट विल बी द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेटर फॉर मी, बिकॉज व्हाई, बिकॉज एनी केस इफ इवन इफ गुड्स विल नॉट बी लॉस्ट और थेफ्ट लॉस बाय थेफ्ट और फायर, इन दैट केस व्हाट विल आई डू, आई विल डू सेल्स, डेफिनेटली आई विल डू द सेल्स। अगर मैं सेल करता तो किस पे करता, या तो कैश पे करता, क्रेडिट पे करता, अगर मैं क्रेडिट पे करता तो वहाँ पर डेटर आता। तो यहाँ पे भी अगर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ, एक मिनट के लिए मान लूँ मैं कि जो लॉस हुआ है ये मैं इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करने वाला हूँ, तो बेसिकली एक टाइप का तो ये मेरे लिए तो सेल हो गया ये, बाद में हम देखेंगे 100% पैसा आएगा तो नहीं आएगा, मानने में क्या जा रहा है, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि जो आपका लॉस हुआ है वो एक टाइप का एक सेल क्या है आपका, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए डेटर हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट। आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, आपने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम फाइल कर दिया। अब दो सिचुएशन आ सकती है, पहली सिचुएशन क्या, क्लेम रिसीव्ड इन फुल, या तो पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर पूरा पैसा मिल जाएगा देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जितना पूरा पैसा मिल गया तो पूरे पैसे से मैंने क्लेम रिसीव्ड इन फुल तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट दूसरा क्या सिचुएशन हो सकती है, पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, क्या पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मैंने 100% लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को पूरे से 100% क्लेम से क्रेडिट कर दिया था, तो जो पैसा आएगा पहले तो मैं बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। आपको बताने की ज़रूरत है क्या, कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, क्या लॉस बाय थेफ्ट क्या था, मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस लॉस नॉमिनल, या फिर किस में, मॉडर्न में एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, परचेजेस एक्सपेंस सॉरी कम हो रहा है क्रेडिट, देन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या है मेरे लिए एक टाइप का असेट ही रहेगा ना, क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने हैं, अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता तो क्या होता, कोई डेटर होता, तो एक टाइप का असेट है, बढ़ेगा डेबिट, लॉस कम हो रहा है क्रेडिट, देन पैसा आया बैंक असेट, पैसा आएगा मेरे पास। अगर मैं ट्रेडिशनल से देखूँ तो रियल वॉट कम्स इन, रियल में रियल का रूल, रियल वॉट कम्स इन तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये जो मैंने रूल्स बता रखे हैं ना आपको, ये आप बस याद कीजिए, 100% आपको बेनिफिट दिखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सर कितने से, जितने से मैंने लॉस ये बुक करा था उतने से ये आ जाएगा। ये सब किस पे होगा, कॉस्ट पे, किस पे होगा, हमेशा कॉस्ट पे किया जाएगा जी। ओके सर, यही था, हाँ जी यही था, एक कंसेप्ट और बता दूँ आपको, चलिए ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, चलिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो।
ठीक है, ओके। एक कंसेप्ट क्या है आप देखेंगे, कौन सा कंसेप्ट है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखिए बच्चों, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती क्या है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये होती है, बताऊं? रेडी? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। चलिए वार्म अप कीजिए एंड प्लीज वीडियो को 100% देखिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है ये, चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या ऑर्डर समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं तो वीडियो को 100% देखिए, बीच में बंद मत किया कीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो बात तभी तक आप तक पहुँच पाएगी जब तक कि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, तब तक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और आपको लगता होगा, अरे यार एक घंटे का वीडियो 5-5 मिनट में लोग समझा रहे हैं। अरे बच्चे, जो 5 मिनट में समझा रहे हैं ना, 5 मिनट में गायब भी हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, जो 5 मिनट में समझा रहे हैं, 10 मिनट में समझा रहे हैं किसी कंसेप्ट को, वो 5 मिनट 10 मिनट में गायब होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में जब मान लीजिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर लेक्चर्स आपको लंबे मिलने वाले हैं, 3-3, 4-4 घंटे के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है फिजिकल क्लासेस का इंपॉर्टेंस तो आने वाले टाइम में बहुत ही कम होने वाला है। रीज़न बीइंग, आपको एक तो कोरोना आ गया, रीज़न लोग क्या है कि अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, अगर आप अपने आप को कमरे में बंद कर ले और वीडियो चला लें, जो मेरा वीडियो वो चला लें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, आप बेनिफिट देखिए कितना बेनिफिट, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन का लेवल 100% क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो। लेकिन मोबाइल में लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करा, 5 मिनट देखा, अरे यार छोड़ो यार बहुत टाइम लग रहा है। अरे भाई छोड़ो क्यों, टाइम तो लगेगा ना, टाइम क्या होगा, टाइम लगेगा, टाइम आपको लगाना पड़ेगा, तभी जा करके जो है क्वालिटी निखर के आएगी आपकी, ठीक है। आने वाले टाइम में लाइफ क्या होने वाली, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, उसके लिए आपके कंसेप्ट 110% क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये सब समझने में, बट आई गारंटीड 500% दैट इफ़ यू टेक माय क्लासेस, 100% क्लासेस, देन देयर विल बी नो इश्यूज, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा, आप 11th ही क्यों ना आपने अभी क्लियर करा हो, या फिर 11th आपका कंप्लीट हुआ हो, देन यू कैन डू द अकाउंटिंग एंट्री मच बेटर देन दोज पर्सन्स जो कि बहुत सालों से इस फील्ड में, इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उनको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट हाउ विल यू वॉन्ट टू ग्रो योर लाइफ, हाउ विल यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन द स्टडीज, कैसा आप बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है, दैट्स ऑल अप टू यू। हम आते हैं, बात कर रहे थे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे, ओके। चलिए आइए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन बच्चे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है जो भी हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्या करते हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं वो क्या होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है। सर जैसे कि बच्चे कैश डिपॉजिट करा आपने बैंक में, अकाउंट खुलवाया आपने बैंक में, ठीक है, आपके पास जो आपका बैंक से ओडी चल रहा था, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बताया था आपको कि लाइबिलिटी एक टाइप की, जो कि आपको बैंक से आपने ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है ओडी की, तो वो उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, फिर आपने लोन ले रखा है, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करा, इंस्टॉलमेंट गई, ठीक है। ये सारी क्या है ट्रांजेक्शन, ये सारी ट्रांजेक्शन तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही तो हैं, और क्या है ये? फिर सर जो इंटरेस्ट आया वो, चाहे आपके सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आया, चाहे आपके एफडी पे इंटरेस्ट आया, वो भी तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही तो हैं। सर नेक्स्ट, डिविडेंड आपको कहीं से मिला, किसी कंपनी में आपने, मान लीजिए आपके पापा चाचा किसी ने भी, भैया किसी ने भी, दीदी किसी ने भी शेयर परचेज कर रखे, तो उनको क्या आया, इंटरेस्ट आया, किसकी तरफ से, उस कंपनी की तरफ से, ठीक है, उस कंपनी की तरफ से आपको इंटरेस्ट आया, तो वो भी एक टाइप की बैंक, जो आपके बैंक में हिट हुआ। तो जो भी ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड हो, जो भी ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड हो, वो आपने, मान लीजिए आपने, वो सारी क्या कहलाएंगी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कहलाएगी। मान लीजिए किसी ने आपको चेक दिया,
अब आज है मान लीजिए सैटरडे, फॉर एन एग्जाम्पल आज है क्या है, आज का दिन सैटरडे है आज का दिन। तो सैटरडे में किसी ने आपको क्या करा, चेक दिया। अब जो किसी ने आपको चेक दिया, आप से बैंक मान लीजिए आज क्लोज है और आपको अपने बुक्स में एंट्री करनी है, ताकि वो कस्टमर का अकाउंट जो है, जब आप मान लीजिए आज 31 मार्च होगी, 31 मार्च होती है सैटरडे का दिन, बैंक क्लोज, लेकिन आपके पास पैसा आया और आपको बुक्स में क्या करना है, अपने डेटर्स को कम करना। रीज़न बीइंग उसने तो चेक दे दिया ना, अगर वो NEFT करता तो सेम डे में बैंक में हिट हो जाती। चेक का कंसेप्ट ऑल तो नहीं है आज की डेट में, मतलब फिर भी मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि अभी भी पेपर में बिलीव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, चेक्स में डील करते हैं। उन्होंने चेक दिया आपको, तो चेक क्या हुआ, सैटरडे आज तो सैटरडे तो क्लोज, ओके अब क्या करूँ मैं, अगर यही फ्राइडे होता तो बैंक में डिपॉजिट कर देते डायरेक्टली अब जा करके, ठीक है। अब आली सैटरडे आ गया, हाँ। अब अरे आपके पास चेक तो है ना, क्या है, चेक, चेक इन हैंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट। तो चेक इन हैंड अकाउंट आप डेबिट करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। अब फिर मंडे को जब आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो कौन सा एक कंसेप्ट आया इसमें, एक नया आया, चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है। जब चेक्स इन हैंड का मतलब क्या होता है, आपके पास चेक आ चुके हैं बट आपने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी आपकी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, टू जहां से पैसा आया आपको, डेटर्स अकाउंट, या फिर किसी से भी आया, आपने किसी को लोन दे रखा तो उसने आपको चेक दिया, तो लोन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, हमेशा लोन आप ले नहीं, लोन आप दे भी, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ना पॉसिबिलिटी, वो आपको चेक देता है बट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो उस केस में चेक्स इन हैंड आपका आ जाएगा, जो आपने लोन दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, लोन अकाउंट को कम कर देंगे, ओके जी। देन नेक्स्ट, जब आपने ये होगी चेक्स रिसीव करते टाइम पे ऑल्ट, जब ये सिचुएशन कब आती है, व्हेन चेक, चेक या चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन डिफरेंट डे फ्रॉम विच चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, आपके कस्टमर से, कस्टमर या फिर एनी पर्सन। ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन सिर्फ उसी केस में आएगी जब आपको चेक किसी और दिन मिला और बैंक में उसको आप कभी और डिपॉजिट करने वाले हैं और आपके उस डेट में अपनी अकाउंट क्लोज करनी है। 7 तारीख के डेट में आपको मान लो अपना अपना बुक्स क्लोज करना था, या आपको दिखाना है कितना चेक मेरे पास आ चुका है, तो आप चेक्स इन हैंड को क्या करेंगे, डेबिट, किसको क्रेडिट करेंगे, जो आपका कस्टमर हो या कोई भी पर्सन हो जिसको आपने लोन दे रखा हो, या फिर कोई भी पर्सन हो जहाँ से भी आपके पास पैसा आया, ठीक है जी, ओके। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या फिर जो भी रिमेनिंग अकाउंट रहेगा वो। जब मैं इसको डिपॉजिट करूंगा तो एंट्री में क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू, ये जो चेक्स था ये मेरा डिपॉजिट हो गया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है जी, ओके सर, ये आ गया समझ में, ओके जी। चलिए तो हम आज की क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे समअप करते हैं। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, वीडियो आप हमेशा पूरा देखिए, पूरा देखिए, पूरा देखिए। रीज़न बीइंग कि सिर्फ पेपर देखने से और किसी के बोल देने से आपको चीज़ें याद रहेंगी नहीं जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्लासेस लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि अपने हाथ से आप सारी चीज़ें लिखेंगे। वेन यू राइट समथिंग विथ योर ओन हैंड देन इट विल बी
रिमेंबर टू यू फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो प्लीज 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 स्टे विथ मी, बी विथ मी, कंटिन्यू विथ मी टिल द क्लास एंडेड. चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, आने वाले टाइम में टैक्सेशन हो, जो भी पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, ईच एंड एवरी टॉपिक, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट ऑन योर ओन. ठीक है. अब बहुत जगह मैंने देखा है तो लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट लिखा हुआ समझाना शुरू कर दिया. अरे उसके बैकग्राउंड के बारे में तो बताओ. आपने लिख दिया, आप समझा रहे हैं, तो बच्चे लिखने पर ध्यान देंगे या फिर पढ़ने, मतलब उनकी फ्लुएंसी क्या हो जाएगी ना, फिर ख़राब हो जाएगी. कैसे ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ मान लीजिए लिखी हुई है, मैं आया, मैंने फटाफट फटाफट फटाफट, आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, आपका ध्यान चला जाएगा समझने पे. फिर जो 15 मिनट की वीडियो होगी उसे तीन बार आप पॉज करेंगे, तीन बार लिखेंगे आप, बट यहाँ पे अल्टीमेटली आपको टाइम उतना ही लगना है और कंसेप्ट आपके हे वायर अलग से हो जाएंगे. यहाँ पे क्या है, साथ साथ आप चल रहे हैं, साथ साथ आप लिख रहे हैं, तो साथ साथ क्या है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है. वीडियो देखने वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्लासरूम वाली फीलिंग आती है कि लाइक आप चाहे अपने स्कूल में जाए पढ़ने के लिए या क्लासरूम में जाए पढ़ने के लिए, किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़े. आई रिस्पेक्ट एवरी टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू, उनकी वजह से ही आप यहाँ तक अभी पहुँचे हैं. चलिए क्लास को सम अप करते हैं, हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. आज की क्लास हमने स्टार्ट करी किससे, रिवीजन से स्टार्ट करी. जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप लिया हमने, रिकैप लेने के बाद देन रिकैप लिया, रिकैप लेने के बाद हमने देखा कि गुड्स की क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एंड कौन सा असेट. गुड्स नहीं था बेसिकली वो, लेकिन कुछ भी परचेज करते हैं आप तो वो समझ लीजिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो हमने देखा. वो हम फिर हमारा नेक्स्ट किस किस केस में गुड्स बाहर जाएगा, मैंने बताया आपको, जब आप सेल करेंगे तो गुड्स बाहर जाएगा, फिर जब आप से परचेज रिटर्न करेंगे तो गुड्स बाहर जाएगा बिजनेस से, जब आप डोनेशन चैरिटी देंगे तो गुड्स बाहर जाएगा, जब आप सैंपल्स देंगे तो गुड्स बाहर जाएगा, जब लॉस हो जाएगा तो गुड्स बाहर जाएगा, और जब ड्राइंग्स हो जाएगा तो गुड्स बाहर जाएगा. ठीक है जी, ओके. ये पढ़ा आपने. नेक्स्ट क्या पढ़ा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपने पढ़ा. इन सबको आप कंसेप्ट वाली नोटबुक में एक एक करके लिखते जाइएगा. प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कंसेप्ट वाली बुक अलग से रखिए. बुक मतलब नोटबुक, मैं जब भी बुक बोलूँगा, जब मैं स्पेसिफिक राइटर का नाम लूँगा तो समझिएगा आप मैं बुक की बात कर रहा हूँ. अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे कभी बुक बोल देता हूँ तो प्लीज़ आप उसे नोटबुक कंसीडर कीजिएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच सो मच सो मच फॉर बीइंग विथ मी. आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना कभी मत भूलिएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.